चॉकलेट सिल्क, उससे भी बादाम, उसमें भी बादाम होते तो वो भी ठीक करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बजे शाम के क्या बजे नहीं चार, मैं यहाँ पे आता टाइम मैं वही देख रहा था। तो अभी शाम के चार बज रहे हैं एंड बहुत अच्छी बारिश हो रही है, हो चुकी है एंड अभी भी मौसम बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले मौसम, ये देखो बारिश हो चुकी है, रोड गीली है। मैं एकदम से मुझे शुरू में बैठे बैठे चाय की तलब लगी और आप लोगों को पता है चाय की तलब कितनी खतरनाक होती है, तो मैं निकल गया हम चाय ढूंढने, क्योंकि अभी हमने जो पैंट्री सर्विस है शोरूम में वो बंद रखी हुई है क्योंकि कोविड की वजह से। हम नहीं चाह रहे कि कोई कप्स यूज़ करे या फिर चाय एंड कॉफ़ी ये सब बनाए, तो इसलिए मैं निकल गया हूँ कॉफ़ी ढूंढने, चाय ढूंढने। ये बादल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो पूरे यहाँ से यहाँ पे काले बादल है, ऊपर लाइट है, बहुत अच्छा शेड आ रहा है। मुझे जाना है यहाँ पे, एक बार मैं पहले भी आ चुका हूँ, आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में कि मैं यहाँ पे आया था एक बार कॉफ़ी लेने, मुझे कॉफ़ी मिली नहीं थी और यहाँ पे तो बड़ी भीड़ हो रखी है यार, सब लोग बारिश में ना चाय बहुत पीनी होती सबको। ऑर्डर प्लेस हो गया, मुझे यहाँ से प्लेस करना था। ये है इनकी ऐप चायोस की, इसको आप स्कैन करोगे तो आपका पूरा मेन्यू आ जाएगा, फिर आप यहीं से प्लेस कर दो एंड उसमें आप मेंशन कर दो कि आपको टेक अवे चाहिए। नाइन बादल देखो, मौसम देखो कितना सही लग रहा है। इस मौसम में अगर चाय का मन नहीं करेगा तो फिर कब करेगा, कभी कभी तो ऐसा होता है मौसम दिल्ली में। मैंने ऑर्डर प्लेस किया एंड मुझे 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट यहाँ वेट करना पड़ेगा एंड बारिश भी शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। आई डोंट नो आपको समझ आएगी नहीं आएगी। एंड इसको भी चाय चाहिए, देखो सबका मन करता है बारिश में चाय का, हम ही नहीं है सिर्फ। और भाई चाय आ गई एंड भागो क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है यहाँ पे, अरे खोलेगा कैसे, बहुत ज़्यादा तेज बारिश एकदम से शुरू होगी। नहीं तो मेरा प्लान था कि बाहर बुनेट में यहाँ पे रख के आराम से खड़े होके खाऊंगा वेदर एंजॉय करके, बट वो हो नहीं पाया, बारिश एकदम से तेज हो गई है। चाय का असली मज़ा कप हटा के है, ऊपर का ढक्कन। हाँ अगर ये कॉफ़ी होता है तो कॉफ़ी के साथ ऊपर लेड अच्छी लगती है, बट पता नहीं क्यों मुझे चाय ऐसे खुले ग्लास में ज़्यादा मज़ा आती है, क्योंकि बचपन से ऐसे पिए या फिर हम हिंदुस्तानी लोग पीते ही ऐसे, जब तक चाय का मज़ा सुड़ सुड़ करके ना हो ना तो फिर मज़ा नहीं है चाय का। मेरी चाय हो गई है कंप्लीट एंड अब आपसे मिलते हैं शाम को घर पहुंच के, क्योंकि रिचा भी नहीं होगी आज शाम को, रिचा आएगी रात को, गई हुई है फ्लाइट में, तो मिलते हैं आपसे शाम को घर पहुंच के। और ये रिचा का पार्सल जो कि आज ऑफिस में आया था, सारी डिलीवरी रिचा की वहीं पे होती है तो फिर मुझे लाना होता है। अब इतना काम करना पड़ता है पतियों को सोचो, उसके बाद भी बोला जाता है कि पति लोग कुछ काम नहीं करते। पार्सल कुछ रिचा का आया था शोरूम में, डिलीवरी हुई थी, मैं तब से इसको इतनी देर से देख रहा हूँ, जब से आया मेरा इतना मन कर रहा है कि इसको मैं अनबॉक्स कर डालूँ, इसका वीडियो बना डालूँ, बट अभी रिचा है नहीं, यानी अगर उससे पहले मैंने अनबॉक्स कर दिया तो मैं गया, इसलिए वेट करना पड़ेगा, उसको बार बार देखते रहना पड़ेगा एंड वेट करना पड़ेगा, रात को चाहिए फिर इसको। बस मैं अभी नहा के रेडी हुआ हूँ एंड शोरूम से जब मैं आया था उसके बाद रनिंग करने चला गया था, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी रनिंग हुई नहीं एंड आज वेदर इतना अच्छा था क्योंकि बारिश हो गई थी दोपहर को, उसकी वजह से काफ़ी लोग रनिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट अच्छा हुआ 15 मिनट का सेशन था रनिंग का, मज़ा आ गया। तो अभी लग रहा है खाना, आज कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बन रही है, मम्मी बना रही है नॉनवेज है, तो जिन जिनको नॉनवेज पसंद है उनको बहुत अच्छा लगेगा, तो चलो देख के आते हैं क्या है। दिखाओ क्या बनाया आज, बड़ी स्पेशल चीज़ है, खोलो। वैसे लोगों को समझ आ गया होगा कि जब हम आटा लगाते हैं इसके बाहर तो क्या होता है उसके अंदर। हाँ बिरयानी होती है। लो आपने तो पहले ही बता दिया, मैं सस्पेंस क्रिएट कर रहा था, आपने आपने सस्पेंस ही बिगाड़ दिया, कभी कभी सस्पेंस बनाना पड़ता है। ये तो चावल ही चावल है, अभी हमने खोली है ना बिरयानी, इसको देखो हल्का सा, वाह। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, हाँ अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होगी। मटन की बनाओ, बस मटन की जो बिरयानी होती है वो बेस्ट होती है, जैसे वो हैदराबाद में मिलती है। रेड मीट नहीं खाना चाहिए, बट वंस इन अ व्हाइल तो खा सकते हो आप महीने में एक बार। एंड बस मेरा डिनर कंप्लीट हो गया एंड मैं आके रूम में बैठ गया हूँ, अब कुछ कुछ देखेंगे हम यूट्यूब में। रिचा निकल चुकी है एयरपोर्ट से, उसका मैसेज आ गया कि वो निकल चुकी है, उसने आते ही मुझे लाइव लोकेशन भेज देती है एंड बस वो पहुँच जाएगी 10-15 मिनट में। एक सेकेंड पहले एक काम कर लेते हैं।
यहाँ पे पड़ा ना, जब से मैं देख रहा हूँ बार बार मुझे दिखता है तो मन कर जाता है मेरा अनबॉक्सिंग करने का, तो इसको उठा के रख देते साइड में, क्योंकि रिच आएगी उसी के बाद ही करते इसकी अनबॉक्सिंग, नहीं तो मैं कर देता अभी तक। तो आ गई फाइनली रिच है, कैसी रही फ्लाइट? बहुत अच्छी। ये देखो मैंने तुम्हारा पास लाके मैंने अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं की। मैं दो बार बता चुका हूँ लोगों को कि मेरा बहुत मन कर रहा था अनबॉक्सिंग करने का, बट मैं वेट कर रहा हूँ, नहीं तो रिचा छोड़ेगी नहीं मुझे। ये क्या बात है, छोड़ेगी नहीं और ही तो क्या बोलोगी। नहीं ये पहले कैसे अनबॉक्स कर लिया मेरे आने से पहले, मुझे साथ में देखना था। अभी क्या हुआ, थोड़ी देर पहले जब मैं किचन गया था, मैं गया पानी लेने, तो मैंने निकाली बॉटल, मैं ऐसे के किचन में पानी इधर बंटा होता है ना, लेफ्ट साइड में पानी होता है, मैं आगे बॉटल निकाली, मैं बॉटल लेके ऐसे हुआ तो मैं सोचने पड़ गया कि पानी किस तरफ है, और मेरे राइट में था, तो मैं इधर माइक्रोवेव था, मैं माइक्रोवेव की तरफ जा रहा हूँ कि पानी का है, मतलब दो तीन सेकंड के लिए एकदम से ब्लैंक हो गया था। उसके बाद मैंने देखा कि राइट में बंदा, मतलब जब घूम जाता है सारी चीज़ें ब्लैंक होगी एकदम से, समझ नहीं आया पानी का है, और मैं हाथ में देखा हूँ करने क्या आया सही। बट यू नीड टू ईट मोर बादाम, ओके एंड चॉकलेट सिल्क, उससे भी बादाम, उसमें भी बादाम होते तो वो भी ठीक करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं किचन में, सब लोग सो चुके हैं ऑलमोस्ट, एंड हम ढूंढने जा रहे हैं कि खाने में क्या है, क्योंकि रिचा ने फ्लाइट में तो ज़्यादा खाया नहीं, उसने सिर्फ लंच किया था ना तुमने? यस। हाँ तो सिर्फ लंच किया था, अब देखने जा रहे हैं कि खाने में क्या है। रिचा ढूंढ रही है क्या 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 खाए। ओ वाओ, एंड मैं खाऊंगा ये, मेरा पहले से ही सेट होता है, हम खाएंगे आइसक्रीम। बच्चे ये सारी सफाई हो जाएगी आज ही, सब मैं और नहीं दे सकता किसी को, ये सारी मेरी है, कोई बात नहीं, सब ख़त्म करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। सब लोगों को पहले से मैं सॉरी बोलूँ जो जो ये ब्लॉग देखेगा, मेरे घर वालों को स्पेशली सॉरी, ये ख़त्म होने वाली, कल जब आप उठोगे अपनी नहीं दिखने वाली ऐसी चीज़ है। सोप्रेश बुक मांगा, आज तक हमने कभी लाइफ में नहीं किया यूज, ये लो। और ये है जो हमारा टूट गया था। किसने तोड़ा था? मैंने तो नहीं तोड़ा, मैं तोड़ा था। यस। आप लोगों को चाहिए तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आने वाला है, ले लेना जाके, अच्छी चीज़ है, सुंदर लगेगा आपका बाथरूम, इससे आपकी त्वचा भी अच्छी रहेगी, क्योंकि इसके अंदर जो होगा वो त्वचा के लिए और ये सजावट के लिए, तो सजावट भी है और त्वचा भी है। तो आज के ब्लॉग में इतना रखते हैं, होपफुली आपको ये शॉर्ट सिंपल ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा, तो अगर अच्छा लगा है यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड वो बेल आइकन दबाओ, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे वीडियोज़ आ रहे हैं। एंड अब हम कोशिश करें कि थोड़ा रेगुलरली वीडियोज़ डालें, थोड़ा टफ है, सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं, बट करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम थोड़े बेटर वीडियोज़ बनाएं। अब आपसे मिलते हैं कल एक और ब्लॉग में एक और स्टोरी के साथ, अब तक के लिए।